हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है, ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, क्योंकि इसी से पूरा हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है चलता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आपसे क्लाइंट जो है किस तरह से क्वेश्चन करेगा और आपको किस हिसाब से आपको उसको जवाब देना है, तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमने एक ड्रॉइंग बनाया है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, ये आप लोगों को समझाने के लिए फुल ड्राइंग के साथ हम बना दिए हैं। लेकिन अगर आपसे क्लाइंट अगर पूछता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल आप बनाइए, तो आपको इतना इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, ये चार को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ठीक है। कंप्रेसर के बाद जो इधर लाइन निकलता है, इसको हम लोग डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन हो गया, जिसमें रेफ्रिजरेंट का जो स्टेटस है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सुपर हीट वेपर होता है, ठीक है। ये हमारा कंडेंसर है, डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आने के बाद जो है रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंडेंस होने लगता है। अगर एयर कूल्ड सिस्टम है तो एयर के जरिए फैन ब्लेड लगा रहेगा, उसके जरिए कंडेंस होता है रेफ्रिजरेंट। अब अगर वाटर कूल्ड आपके पास सिस्टम लगा हुआ है तो कूलिंग टावर सिस्टम लगा रहता है, तो कूलिंग टावर वाटर के जरिए जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंस होता है। क्योंकि हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है, हाई प्रेशर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीट वेपर जो रेफ्रिजरेंट है, उसको हमको लिक्विड फॉर्मेट में करना होता है। तो ये कंडेंसर से जैसे निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा है ये लिक्विड लाइन है, देख रहे ना, यहाँ पे ये लिक्विड बना है। इसमें रेफ्रिजरेंट का स्टेटस जो है आपका हो जाता है हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर, थोड़ा इससे जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर, सब फुल लिक्विड, मतलब फुल लिक्विड कंडीशन में यहाँ पे हो जाता है। और फिर ये लाइन जो है सीधा जो है ये आगे जाता है, ठीक है। ये जो हमारा है ये है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। ये एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है कि जो हमारा हाई प्रेशर, मीडियम टेम्परेचर, सब फुल लिक्विड जो आ रहा है ना, हाई प्रेशर आ रहा है, तो ये प्रेशर को यहाँ पे ड्रॉप करता है एक्सपेंशन वाल्व। ये सब टॉपिक पे अलग अलग हमारा वीडियो अपलोड है, जैसे कंडेंसर का क्या फंक्शन है, कितना टाइप के होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व, कंप्रेसर पे, इवेपोरेटर पे, सब पे अपलोड है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम नहीं आप लोगों को बताए थे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन डिवाइस है, ये प्रेशर को ड्रॉप करने से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो जाता है। तो ये आता है हमारा इधर इवेपोरेटर में, यहाँ पे जो कंडीशन होता है लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, सेचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे रखे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, वहां से हीट को एब्जर्व करके और ये खुद रेफ्रिजरेंट जो है बॉयल कर लेता है। क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम लगा हुआ है, ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इसको जो है वेपर चाहिए। इसमें लिक्विड जाएगा तो इसके अंदर कुछ भी मैकेनिकल डिवाइस जो है डिफेक्टिव हो सकता है, इसके लिए करके इसको प्योर हम लोग सुपर हीट में इसको देते हैं रेफ्रिजरेंट को। एक्चुअल में मुख्य जो है चार पार्ट ही होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। अगर इसमें से एक भी पार्ट मिसिंग है, एक भी पार्ट आपके पास नहीं है, तो आपका एयर कंडीशन सिस्टम जो है काम नहीं करेगा। अब इसके साथ जो है एक्स्ट्रा भी बहुत सारे डिवाइस जो है यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जैसे लिक्विड रिसीवर वगैरह सेफ्टी पर्पज के लिए, ऑयल सेपरेटर रहता है, फिल्टर ड्रायर रहता है मॉइस्चराइजर करने के लिए। लेकिन अगर इतना सिस्टम आपके पास लगा हुआ है तो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है काम करेगा। तो इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर देखिए, यहाँ पे अगर वाटर कूलर का सिस्टम लगा, चीलर लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कूलर होता है वो चीलर में आ जाएगा, उसी को इवेपोरेटर बोलते हैं, चीलर बोलते हैं, कूलर बोलते हैं ये सिस्टम को, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे कंप्रेसर में जो लाइन इन करता है, ये हमारा सक्शन लाइन होता है, जिसको हम लोग बैक प्रेशर भी बोलते हैं, सक्शन लाइन बोलते हैं। ये एरिया लो साइड में आता है, ये एरिया हमारा हाई साइड में आता है। ये हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का फुल प्रोसीजर है, किस तरह से वो फंक्शन काम करता है। तो आपसे कभी भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल आप बनाइए, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है इस तरह से वर्क करता है। और आप इजी उसको बताने के लिए जो है यहाँ पर देखिए कंप्रेसर, इसको आप एक ऐसे डब्बा बना दीजिए, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम रहता है, एक दो मिनट का टाइम रहता है। उसके बाद यहाँ कंडेंसर कर दिए, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, ये लाइन हो गया, और इसके बाद इवेपोरेटर, ठीक है।
ये लाइन यहाँ जोड़ दिए, इसको डिस्चार्ज लाइन बना दिए, इसको सक्शन लाइन और इसको एलएल लिक्विड लाइन, ठीक है। और एक्सपेंशन भाग के बाद टोटल एवोपरेटर का लाइन होने लगता है, यहीं से जो है रेफ्रिजरेंट जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये पार्ट वन है, अब पार्ट टू में हम आपको एक रेफ्रिजरेंट कोई भी रखेंगे, R134A हो गया या R22 जो रेफ्रिजरेंट है, उस रेफ्रिजरेंट का हम आपको फुल स्टेटस बताएंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का कितना कहाँ पे प्रेशर होता है, कैसे बॉइल करता है, कितना टेम्परेचर होता है, वो फुल डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था बस इतना था आपको बताने के लिए कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है इस तरह से है, इस तरह से लाइन आपको मेंशन करना है, उसके बारे में बता देना है कहाँ पे क्या प्रेशर होता है, कहाँ पे कैसे इस तरह से इसको हम लोग और किस तरह से ये वर्क करता है।